चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर बाय प्रीवियस असाइनमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स की इंटरनल ऑडिट पर्सनल की, तो वो ये कहते हैं कि अगर किसी टीम मेंबर में ये पूरा पढ़ने से पहले आपको इसका पूरा क्रक समझ में आना चाहिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर में किसी डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय रह चुके हो तो उस डिपार्टमेंट का आप इंटरनल ऑडिट ऑपरेशन कैरी आउट नहीं कर सकते एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने सपोज वर्क किया है कौन से डिपार्टमेंट में परचेज डिपार्टमेंट में भी वर्क करा है एज अ परचेज अप्रूवल मैनेजर तो अब आप जाके उसी साल में उसी प्रीवियस ईयर में जाके क्या परचेज डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट का ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हो गिव द आंसर्स इन द चैट बॉक्स क्या ये पॉसिबल है इज इट पॉसिबल सेम प्रीवियस ईयर में जिसमें आप जिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे उसी का आप इंटरनल ऑलिट ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हो दो नॉट एट ऑल इसी को हम यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं इम्प्लॉयज ऑफ टन होल्ड सेवरल डिफरेंट पोजिशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मोर देन वन पोजिशन हो सकती है टेम्प्री बेसिस पे पॉमनेंट बेसिस पे बट एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इसलिए करते हैं ताकि क्रॉस ट्रेनिंग हो जाए है ना मल्टीफंक्शनल आप बन जाओ ओकेजन डिपार्टमेंट्स और फंक्शनलॉइड है ना जिस एरिया में आप काम कर चुके हो तो उसकाउट नहीं कर सकते हुई है किसकी इंटरनल ऑडिटर्स की इसमें बस ये मेन पॉइंट है आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट वन इज

तो सेफ गार्ड मस्ट बी पुट इन प्लेस टू लिमिट इम्पेयरमेंट टू इंडिपेंडेंस इन द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी एज अ चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव क्या कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं अगर हमने एक इंटरनल ऑडिट के टीम के हेड को इंटरनल ऑडिट के टास्क के अलावा कोई दूसरे फंक्शन भी दिए हैं तो उनका नेचर ऐसा होना चाहिए कि उसके इंटरनल ऑडिट के ऑपरेशन को कैरी आउट करने में कोई भी प्रेजिडिस या बाइसनेस ना आ पाए जैसे कि अगर इसी को इंटरप्रेट करें इस एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड ट्रिपल वन टू को दीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव ही मे बी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जैसे कि कंप्लायंस या फिर रिस्क मैनेजमेंट बट दीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इंपेयर क्यों कोई भी बच्चा क्लास में ये बता सकता है बेटा जब हम इंटरनल ऑडिट का टास्क परफॉर्म करते हैं हम यही चेक करते हैं ना कि उनका रिस्क अच्छे से मैनेज है कि नहीं राइट इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट के अलावा आप किसके ऊपर कमेंट कर रहे हो आप किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हो उनके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से लगे हैं कि नहीं लगे हैं रिस्क अच्छे से मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के भी फंक्शन में इन्वॉल्व हो गए तो क्या आप इंटरनल ऑडिट के ऑपरेशन के टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे येस और नो कम गिवी दॉसिबल आंसर इज नो so the safeguards are those oversight activities often undertaken by the board of directors और अगर ऐसा कुछ उसने additional responsibility दी भी है तो ये responsibility बनती है board of directors की क्योंकि उनके काम को oversight oversee करे मतलब monitor और supervise करे ताकि वो अपनी दूसरी responsibilities भी अच्छे से perform कर पाए further अगर हम बात करें Assurance engagements for functions over which the chief audit executive has responsibility must be overseen by a party outside the internal audit activity. बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा वो ये कहना चाहते हैं जो आप इंटरनल ऑडिट के ऑपरेशंस की अगर बात की जाए जहां पर चीफ ऑडिट इट इंटरनल ऑडिट टीम के हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो वो उसके ऑपरेशंस जो हैं कौन मॉनिटर और सुपरवाइज करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं ऑडिट कमेटी कर सकती है ये वो यहां पर कहना चाहते हैं फर्दर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स वही है बेटा इंटरनल ऑडिट ऑपरेशंस को कैरी आउट करना है ना अश्योरेंस एंगेजमेंट्स वही कि सारे जो भी कंट्रोल्स लगे हैं वो अप टू द मार्क है कि नहीं सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं एक तरह से इंटरनल ऑडिट का ही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिविटी अभी तक बेटा जो हमने पढ़ा है अभी दो पॉइंट पॉइंट पूरे समझे थे पहले में बात करें जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर चुके हो प्रीवियस ईयर में उसको ऑडिट नहीं कर पाएंगे एज एन इंटरनल ऑडिट टीम हेड चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की बात करें अगर एडिशनल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है तो उसका वर्क सुपरवाइज होना चाहिए ऑडिट कमेटी के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अभी तक हमने सिर्फ यही बात करी है इसके अलावा और कोई भी बात नहीं करी है अब आगे प्रोसीड करते हैं ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज क्या यहां पे कहना चाहते हैं वो अगर इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी में कब मानी जाएगी क्योंकि हम जो वर्ड यूज करते हैं इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं हम कौन सा और ऑडिटर्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं मतलब इंडिपेंडेंस कब इम्पेयर्ड होती है और ऑब्जेक्टिविटी कब इम्पेयर्ड होती है फटाफट से जरा चैट बॉक्स में बताएं जो बच्चे स्टार्टिंग से लेके जुड़े इस चैप्टर में फटाफट बताएं ऑब्जेक्टिविटी किसके लिए इम्पेयर्ड मानी जाएगी ऑडिटर्स के लिए या इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी के लिए और इंडिपेंडेंस किसके कॉन्टेक्स में मानी जाएगी आंसर्स बताएं चैट बॉक्स में वेरी गुड अगर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो वो इंटरनल ऑडिटर्स के परस्पेक्टिव से है और इंडिपेंडेंस हुई वो किसके इंपेयर से है इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी ये तो जनरल बात थी जो हम स्टार्टिंग से लेके अभी तक बार बार, बार बोल रही हूँ बार बार रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं और वो आपको फंसाते हैं ठीक है चलिए द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी मे प्रोवाइड अश्योरेंस सर्विसेज वेयर इट हैड प्रीवियसली कंसल्टिंग सर्विसेज

स दे मे प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस रिलेटेड टू देशन जहां उनके प्रीवियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज रह चुकी है लेकिन उस प्रीवियस ईयर में नहीं किसी और प्रीवियस ईयर में पहलांटर ऑडिटर्स दे हैव पोटेंशियल इम्पेयरमेंट टू द प्रपोज कंसल्टिंग सर्विसेज तो उसका डिस्कलोजर देना जरूरी है जिसका पॉइंट इंटरनल ऑडिट कैरी आउट करने जा रहे हैं बिफोर यू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट तो यानी कि यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला क्या जिस साल आपने एज एन एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में काम किया है उसी डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट कैरी आउट कर पाएंगे सेम प्रीवियस ईयर में बात कर रही हूं सबसे पहले तो इसका आंसर दीजिए क्या सेम प्रीवियस ईयर में आप कर पाएंगे इंटरनल ऑडिट का फंक्शन परफॉर्म जिस डिपार्टमेंट में आप एम्प्लॉय रह चुके हो बताए नो no. तो किस साल फिर कर सकते हो आप इन अदर ईयर सब्सिक्वेंट टू दैट प्रीवियस ईयर पहले आपको इतना क्लियर है इसमें किसी को कोई डाउट चलिए अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहां पर जो हम बात करें कि अगर ऐसा है भी है बायसनेस इन्वॉल्व है भी है जब आप इंटरनल ऑडिट का काम ले रहे हो तो उसका डिस्क्लोजर क्लाइंट को बता दो कि यहां मेरा इंटरेस्ट था मैं यहां काम कर चुका हूं आपके नॉलेज में ये डालना चाहता हूं हाउ एवर मेरे यहाँ पर काम करने का इम्पैक्ट पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा लेकिन ये आपको किसके नॉलेज में डालना पड़ेगा जहां पर आप इंटरनल ऑडिट के काम को लेने की बात कर रहे हो तो ये तो थे हमारे दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से रिपीट कर देती हूँ पहला क्या था जहां आग आप जो है ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं किसी वहां का क्या आप इंटरनल ऑडिट कर पाएंगे सेम प्रीवियस ईयर में नो किसी और प्रीवियस ईयर में येस Then, उसके साथ साथ अगर आप किसी क्लाइंट का काम लेते हो तो उसके डिस्क्लोजर उसके नॉलेज में वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपकी क्या है वहां पर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इन्वॉल्व है हाउ आप अपना काम ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे देन उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑडिटर प्रोफिशंसी आप अपना काम ऐसे करेंगे एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन इन इज ओन केस कि अगर आपका खुद का काम होता है जितने केयर आप

तकरीबन बेटा अगर आप आठ से दस दिन की लीव ले लेते हो बहुत है उतना पर मार आठ से दस दिन चलिए आगे बढ़ते हैं तो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग जो भी हम ऊपर स्टैंडर्ड्स की बात करके आए वो स्टैंडर्ड्स के साथ हमें कंप्लाई करना है कि सेम प्रीवियस ईयर में जिस डिपार्टमेंट में काम कर चुके हो वहां पर नहीं होना चाहिए हाउवर प्रीवियस ईयर में आप कर सकते हो तो ये जो हम सारी बात करते हैं प्रोफिशंसी एंड ड्यू केयर की ये इसी के अंडर पहला पॉइंट आ जाता है दूसरा

जिसमें नॉलेज स्किल और अदर कॉम्पिटेंसीज आ जाती हैं अब आप कहोगे कि मैम प्रोफिशिएंसी की आपने बात करी प्रोफिशिएंसी इज इक्वल टू नॉलेज स्किल्स एंड अदर कॉम्पिटेंसीज तो मैम अदर कॉम्पिटेंसीज में क्या क्या आ सकता है बताए नॉलेज पूरा इंटरनल ऑरिट का होना चाहिए स्किल्स अच्छे से कैरी आउट होने चाहिए अदर कॉम्पिटेंसी बता सकते हो एनीबडी इन द क्लास यहाँ पर जो हमने अदर कॉम्पिटेंसी की बात करी यहां पर कौन सी कॉम्पिटेंसी की वो बात कर रहे हैं जिसमें वो अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभा पाए सपोज वो ऑर्गेनाइजेशन फुली कंप्यूटर बेस्ड है तो जो भी इवन ऑडिट के जो सॉफ्टवेयर है जैसे आइडिया सॉफ्टवेयर है उनका भी आप जो है क्या रखते हो एक प्रॉपर नॉलेज रखते हो वो किसके अंदर आ जाएगा अदर कॉम्पिटेंसीज के अंदर आ जाएगा ठीक है देन इट एंड यानी कि किसके ऊपर और फोकस करते हैं ऑफ द करंट एक्टिविटीज ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग इश्यूज़

जो भी वो एडवाइस और रिकमेंडेशन देता है उसके लिए करंट ट्रेंड्स इंडस्ट्री के होना जरूरी है सो द आंसर इज बिल्कुल जरूरी है, द आंसर इज येस दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पर एज वेल जो कि हम अगले पांच मिनट में डिस्कस करने जा रहे हैं पहला द प्रोफिशियंसी इंक्लूड नॉलेज सफिशियंट टू वैलुएट fraud risk identified risk and controls जब भी हम प्रोफिशिएंसी की बात करेंगे जिसमें हमारा नॉलेज स्किल्स एंड अदर कॉम्पिटेंसीज आ जाती है तो उसमें आपको फ्रॉड रिस्क को आइडेंटिफाई करने का पूरा आपके पास एक नॉलेज बेस होना चाहिए ताकि आप आईटी के भी इसके साथ-साथ तो रिस्क और कहाँ कहाँ क्या रिस्क है क्या कंट्रोल है क्या एडवाइस दे सकते हो आपके पास प्रॉपर पूरा क्या होना चाहिए नॉलेज बेस और जब भी हम ये बात बोलते हैं बार-बार हम कह रहे हैं दे मस्ट है फॉर्चर होना ही चाहिए सफिशियंट नॉलेज टू वैल्यूएट द रिस्क ऑफ फ्रॉड बट दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव द एक्सपर्टीज ऑफ अ पर्सन हुज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटेक्टिंग एंड एक्सपेक्टिंग फ्रॉड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू परसपेक्टिव इसमें से दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को अक्सर मिल जाते हैं क्वेश्चन इस तरह से बन के आता है क्या एक और इंटरनल ऑडिटर का मेन टास्क होता है फ्रॉड 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 को करना, को को करना करना डिटेक्ट डिटेक्ट और उसके साथ साथ उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए ताकि वो ऐसे कर कर पाए कर पाए मैनेज इन्वेस्टिगेट कर पाए क्या ये टास्क होता है इंटरनल ऑडिटर का फटाफट से लिखिए चैट बॉक्स में क्या ये टास्क होता है इंटरनल ऑडिटर का द आंसर इज नो तो फिर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके पास एटलीस्ट उतना नॉलेज होना चाहिए कि वो फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर पाए रिस्क जहां पे इन्वॉल्व है उसके अंदर उसको आइडेंटिफाई कर पाए लेकिन हाउ एवर okay. उसका ये बिल्कुल काम नहीं है कि वो फ्रॉड को डिटेक्ट कर रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है दिस इज नॉट द जॉब ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एम सीक्यू परस्पेक्टिव अब आगे बढ़ते हैं देन इंटरनल ऑडिटर्स दे मस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी अपडेट्स आ रहे हैं आईटी फील्ड में उनके उसके पास नॉलेज होना चाहिए ऑडिट टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए ऑडिट सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए लेकिन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू एमसीस्पेक्टिव यह बिल्कुल भी नहीं है इसका मतलब कि जितने भी इंटरनल ऑडिटर्स हैं उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑडिटिंग के विद रिस्पेक्ट टू उन्हें सारी चीजें कैरी आउट करनी है दैट्स नॉट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओके ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स देन

जो वो एजु प्रोफेशनल एजुकेशनल नॉलेज रखते हैं एक्सपीरियंस है जिनके पास सर्टिफिकेशन हैं, जो वो अच्छे से ऑडिट कर पाए उन्हें ही अपनी इंटरनल ऑडिट टीम का मेंबर वो बनाए अब आगे प्रोसीड करते हैं कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क और ऑडिट सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे होते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको आइडिया सॉफ्टवेयर बताया परमार ओके देन है कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क अगर हम एक इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी की बात करें इट कैन ऑप्टेन एंड मेंटेन द प्रोफिशेंसी इफेक्टिवली इफ इट अप्लाइज द आई आई एस ग्लोबल इंटरनल ऑडिट कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क इसका मतलब ये होता है जब भी हम क्षमता की बात करते हैं कि इंटरनल ऑडिट आप परफॉर्म कर पाएंगे उसका मतलब यही है कि आपके पास वो नॉलेज है वो स्किल्स है और वो बिहेवियर है जो इंटरनल ऑरिट ऑपरेशंस को कैरी आउट करने में चाहिए यानी कि प्रोफिशियं विध रिस्पेक्ट टू हम ये बोल सकते हैं इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनलर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फ्रॉम एमसीस्पेक्टिव अगर हम प्रोफिशियंसी की बात करें इट प्रोवाइड्स गाइडेंस किसमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिट कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क तो इसी को आगे हम अब पढ़ते हैं जब हम कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क की बात करते हैं इसका मतलब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि जब भी एक इंटरनल ऑडिटर जो है उनकी टीम का जो हेड है सीएई वो देखना चाहिए जब भी वो हायरिंग कर रहा है स्टाफ की मैनेजमेंट के विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट कर रहा है ट्रेनिंग दे रहा है तो वो प्रॉपर ढंग से दे उट करने के लिए एक स्टैंडर्ड से ताकि सभी उस टास्क को बहुत सीरियसली ले कॉम्पिटेंसी साथ फ्रेमवर्क को मेनटेन करने के लिए आई आई के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स के द्वारा उन्होंने क्या इसको डिस्क्राइब किया टूल दैट डिफाइन द कॉम्पिटेंसी नीड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क एक तरह का टूल है जो बताता है कौन सी दस वेरी इंपॉर्टेंट ये जो है जो हम आगे पढ़ने भी जा रहे हैं टेन इंटर डिपेंडेंट कोर कॉम्पिटेंसीज अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि मैम क्या हमें ये दस कोर कॉम्पिटेंसीज याद रखनी पड़ेंगे सो द आंसर इज यस बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगे पहला प्रोफेशनल एथिक्स एथिक्स को मेंटेन करना है देन डे इंटरनल इंटरनल उभर के सामने आती है पहले तो ऑब्वियसली आप प्रोफेशनलटेन कर रहे हो इसके साथ साथ इंटरनल ऑडिट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको उसको पहले डेवलप करना पड़ेगा और फिर मैनेजमेंट की बात आएगी जो भी इंटरनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स के द्वारा जो कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है इंटरनल प्रोफेशनल प्रैक्टिस फ्रेमवर्क उसको सीरियसली लेना है और इसके साथ साथ आपके कम्युनिकेशन आपका बिजनेस गवर्नेंस रिस्क कंट्रोल एक्यूबमेंट क्रिटिकल थिंकिंग कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग इंटरनल ऑडिट डिलीवरी दैट मीन्स जो भी आपको इंटरनल ऑडिट के टास्क मिले उनको अच्छे से परफॉर्म करो और जो भी यू शुड नॉट बी रिलेक्टेंट टू चेंज एट ऑल जो भी जहां पर चेंज के विद रिस्पेक्ट टू आपको एडेप्ट करने की जरूरत है सपोज कंप्यूटर बेस्ड एनवायरमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में खुली तो वहां पर जो उनके सॉफ्टवेयर हैं जो यूज होते हैं ताकि आप रिपोर्ट जनरेट करने के लिए ऑडिट लॉक करने के लिए रिकन्सिलेशन पर्पज के लिए अच्छे से उनका जो ऑडिट टास्क परफॉर्म कर पाए तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको अपने को अपग्रेड करने में नॉलेज अपग्रेड करने के लिए हमेशा क्या रहना पड़ेगा रेडी रहना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट फर्दर आ जाते हैं दर्गेनाइजेशन बात करते हैं अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एरिया तो बड़े ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले जब हमने बात करी इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट और प्रोफेशनल से पहले तो आपके पास कुछ पर्सनल और कुछ टेक्निकल स्किल्स होने असेंशियल है जब हम पर्सनल स्किल्स की बात बोलते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग आपका इसके अलावा क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए दूसरों को परसुवेट कर सके कलेबोरेट कर सकते अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए ये सारे स्किल्स इंटरनल ऑडिट डिलीवरी के पर्सनल स्किल्स में आते हैं हाउ जब हम टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात करते हैं सो द गवर्नेंस रिस्क एंड कंट्रोल बिजनेस एक्यूबमेंट इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिस फ्रेमवर्क को फॉलो करना ये सारे किस में आते हैं ये सारे आते हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज में अब आपका अगेन मेरे से क्वेश्चन हो सकता है कि मैम ये सारे पर्सनल स्किल्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज के स्किल्स के अंदर जो जो पॉइंट्स आते हैं उनको याद रखना पड़ेगा सो द आंसर इज यस बिल्कुल बेटा जी आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा क्यों क्योंकि उसके विद रिस्पेक्ट टू एमसी बन जाते हैं जैसे गवर्नेंस रिस्क कंट्रोल बिजनेस एक्यूबमेंट ये किसके अंदर आ गया टेक्निकल वही है वो यहां से भी पॉइंट्स बना के एमसीक्यू दे सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग कम्युनिकेशन परसुएशन कोलेबर कोलेबोरेशन ये सारे पर्सनल स्किल्स के अंदर आ गए अब हम आगे बढ़ते हैं जब भी आप इंटरनल ऑडिट टास्क को अच्छे से निभाने की बात करते हो तो आपके एथिक्स होने चाहिए और इंटरनल इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिस फ्रेमवर्क ये एक तरह से एक स्टैंडर्ड सेट है सारे इंटरनल ऑडिटर्स के लिए कि उन्हें जो है एक तो टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में और उसके साथ साथ जिस भी क्लाइंट का वो ऑडिट कर रहे हैं वो किस इंडस्ट्री में सर्वाइव करता है उसके ग्लोबल और लोकल कंडीशंस कैसी हैं जो उसके ऑपरेशंस बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे उसका भी प्रॉपर नॉलेज एक इंटरनल ऑडिट को होना असेंशियल है देन ये सारे बेटा कौन से स्किल्स आ गए अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताओगे थर्ड पॉइंट के स्किल्स किस कैटेगरी में आएंगे फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए अब क्या ये बिजनेस स्किल्स हैं क्या ये पर्सनल स्किल्स हैं बताइए मतलब टेक्निकल वाले, है या वाले है? हैं या पर्सनल वाले हैं कॉन्फर्मेशन दीजिए ये है हमारे पर्सनल स्किल्स हैं ये वाले पॉइंट नंबर थ्री के पूछा था मैंने कम्युनिकेशन परसुएशन कोलैबोरेशन क्रिटिकल थिंकिंग ये सारे पर्सनल हैं और अगर यही हम ये वाले बात करते हैं गवर्नेंस रिस्क एंड कंट्रोल तो ये किस में आएंगे फिर ऑब्वियसली टेक्निकल एक्सपर्टीज में आएंगे ठीक है सेकेंड पॉइंट चलिए सेकंड और थर्ड पॉइंट को याद रखना बहुत असेंशियल है बिजनेस एक्यूमेंट भी आपका टेक्निकल में ही आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट रिसोर्सेस। अगर हम एक चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसकी ये बिल्कुल बाकायदा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी है इज एबल टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्यों क्योंकि उसके पास वो सारा नॉलेज स्किल्स कॉम्पिटेंसीज जो एक इंटर्न ऑडिट टास्क को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए चाहिए वो होनी चाहिए देन इसके लिए वो क्या-क्या कर सकता है कि जब वो एक हेड इंटर्न ऑडिटर का टीम का जब वो हायरिंग कर रहा है वो उन्हीं पर्सन को हायर करे जिनके पास वो नॉलेज स्किल कोर कॉम्पिटेंसी एक्सपीरियंस सारी चीजें हैं अब सिर्फ और सिर्फ मुझे बताइए हायरिंग के टाइम पे अच्छे लोगों को हायर करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं पर खत्म हो जाती है नो no. वो रेगुलर पीरियोडिकल करे सारे जो भी जो भी इंटरनल इंटरनल ऑडिटर्स हैं ऑडिट टीम का पार्ट है इसके अलावा स्टाफ परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वो रेकग्निशन मॉनिटरी टर्म्स में हो या फिर अवॉर्ड फॉर्म में हो जैसे भी वो एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे देन कॉन्टिन्यूंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एनकरेजेस कॉन्टिन्यूट ग्रोथ इसके अलावा डेटाबेस कैन बी यूज टू स्टोर इंटरनल ऑडिट बैकग्राउंड पूरा प्रॉपर डेटाबेस आपके सिस्टम में होना चाहिए एज वेन एंड वेर एवर रिक्वायर्ड तो वो डेटाबेस आप यूज कर पाए देन इफ द इंटरनल ऑडिट स्टाफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से नहीं निभा पाता या अगर उसको लगता है कि नहीं निभा पाएगा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है तो वो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प ले सकता है जैसे सपोज कोई लीगल प्रोविजन है इंटरनल ऑडिटर को नहीं समझ में आ रहा तो अब यहाँ पर किसकी एडवाइस ले थर्ड पार्टी की लीगल काउंसलर की लॉयर की यही वो कहना चाहते हैं जिस भी फील्ड का जो एक्सपर्ट है जिसकी नॉलेज उसे ले लेनी चाहिए सो वो थर्ड पार्टी एडवाइस भी ले सकता है इसके साथ साथ नेक्स्ट आपका आता है एक्सटर्नल रिसोर्सेस। एक्सटर्नल रिसोर्स में आपका आता है आउटसोर्सिंग एंड कोसोर्सिंग ये क्या है आउटसोर्स का क्या मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो अपने सारे फंक्शंस इंटरनल ऑडिट के चाहे वो परचेज इंटरनल इंटरन ऑडिट है सेल्स डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट है लीड मैनेजमेंट का इंटरनल ऑडिट है मार्केटिंग का है तो वो सारे के सारे फंक्शन भी इंटरनल ऑडिटर के किसी फॉर्म को आउटसोर्स कर सकती है या सिर्फ कुछ फंक्शन कर सकती है अपने डिस्क्रिशनर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपनी मर्जी के हिसाब से लेकिन ऑफ द फैक्ट सारे फंक्शन किए या कुछ फंक्शन करे Services still must be performed as per the standards and then outsourcing दें आउटसोर्सिंग the following दब आप आउटसोर्स करने की बात करते हो जो हमने पहले भी बात करी थी सारे फंक्शंस का दे सकते हो टोटल या पार्शल भी दे सकते हो लेकिन जब हम को सोर्सिंग की बात करते हैं इसका तो मतलब स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए आप को सोर्सिंग करते हो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ऑनगोइंग बेसिस पे आप करते हैं इसका मतलब क्या होता है को सोर्सिंग इज परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिट स्टाफ ऑफ ज्वाइंट एंगेजमेंट्स विद एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स है ना इसमें होता क्या है इंटरनल ऑडिट के जो टीम मेंबर्स हैं वो ज्वाइंटली ऑपरेशंस को कैरी आउट करते हैं और जहां पर उन्हें लगता है एक्सटर्नल थर्ड पार्टी के एडवाइस की नीड है तो वो उससे एडवाइस भी लेते हैं दिस इज को सोर्सिंग देन जब भी हम बात करते हैं चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो वो अगर दूसरों से अपना काम करवा लेते हैं क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेड हो जाती है क्या उसको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे द आंसर नो बिल्कुल ठहरा सकते हैं हम उसे जिम्मेदार सो द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव जो है मस्ट ऑप्टेन कॉम्पिटेंट एडवाइस स्किल्स नॉलेज और जो भी सारे टीम मेंबर्स है इंटरनल एक्टिविटी के जरूरी नहीं है कि वो कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं बट उनमें नॉलेज स्किल्स कॉम्पिटेंसी होना कि वो ऑडिट फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर ले ये बहुत है। अब बेटा हमने पहले बात करी थी ना को सोर्सिंग में अगर वो चाहें तो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प ले सकते हैं तो अब इनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स अगर हम एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें तो जितने भी क्वालिफाइड एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं है तो दूसरे सोर्सेज से हम ले सकते हैं किसी ऑडिट फॉर्म हो सकते हैं कोई लॉ फॉर्म हो सकते हैं कोई यूनिवर्सिटी के कोई रिसर्चर्स हो सकते हैं जिससे भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है उनसे हेल्प ले सकते हैं लेकिन हाउ एवर एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएटेड विद एंगेजमेंट क्लाइंट इज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ द पर्सन वुड नॉट बी इंडिपेंडेंट इसका एग्जाम्पल समझाओ ये जो सेकेंड पॉइंट है क्या कहना चाहते हैं सपोज अब अब जिस कंपनी का इंटरनल ऑडिट परफॉर्म हो रहा है ना उसका एक लॉयर है मिस्टर एम तो जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो लेट से मिस्टर सी है मिस्टर सी को कोई लॉ के रिगेटिंग रिगार्डिंग एडवाइस लेनी है तो मुझे बताइए क्या वो यहाँ पर जो लॉयर है मिस्टर एम क्या उसे एडवाइस ले पाएगा बताएं फटाफट से क्या इस सिचुएशन में चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव मिस्टर एम से एडवाइस ले पाएगा इंडिपेंडेंसलेट हो जाएगी तो उसको क्या इंपेयर ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो जाएगी तो बिल्कुल इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिंस वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड ए लॉयर तो उससे एडवाइस लेना बिल्कुल क्या हो जाएगा इंपेयरमेंट हो जाएगी हाउ एवर किसी थर्ड पार्टी के थर्ड पार्टी कोई और हो जो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है उससे आप बिल्कुल एडवाइस ले सकते हैं देन अब आपका आ जाता है ड्यू प्रोफेशनल केयर एंड कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट इसमें आपको रीजनेबल केयर और एप्सोल्यूट एश्योरेंस में फर्क पता होना चाहिए तो सबसे पहले मुझे बताएं कि क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब हंड्रेड परसेंट क्या हंड्रेड परसेंट एश्योरेंस का भी दिया जा सकता है द आंसर इज नॉट एट ऑल हमेशा आप रीजनेबल अश्योरेंस ही दे सकते हैं एंड इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दे प्रोवाइड अस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच चाहे वो प्लानिंग की बात हो एक्जीक्यूशन की बात हो डॉक्यूमेंटेशन की बात हो एक प्रॉपर डिसिप्लिन मैनर से जब आपने ऑडिट कैरी आउट करना है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स वो क्या होने चाहिए प्रॉपर सिस्टमेटिक होने चाहिए Then, इसी के विद रिस्पेक्ट आगे इंप्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स तो चलिए उनकी भी बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर्स मस्ट एक्सरसाइज ड्यू प्रोफेशनल केयर बार बार हम बात बोल रहे हैं केयर के साथ काम करो ड्यू प्रोफेशनल केयर के साथ काम करो लेकिन कैसे उसका मतलब क्या है इसका मतलब है जब भी हम ड्यू प्रोफेशनल केयर की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन

हिसाब से नहीं चल रहे तो वो उनके रिकमेंडेशन प्रोवाइड करें और हमेशा कॉस्ट जो है कम होनी चाहिए विद द बेनिफिट्स तभी आगे इंटरनल ऑडिट को कैरी आउट करने का मतलब बनता है देन इन एक्सरसाइजिंग ड्यू प्रोफेशनल केयर इंटरनल ऑडिटर मस्ट कंसीडर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑडिट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ा वो अपडेटेड नहीं है रिडेंडेंट हो जाएगा तो उसको प्रॉब्लम आएंगे पद्र वो बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड की तो जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं दे मस्ट बी अलर्ट कि क्या क्या रिस्क है हाउ एवर अश्योरेंस प्रोसीजर्स अलोन इवन वेन परफॉर्म विद ड्यू प्रोफेशनल केयर डू नॉट गारंटी कि सारे के सारे सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हो जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे हमेशा रिजनेबल अश्योरेंस ही दी जाती है एप्सुल्यूट कभी दी ही नहीं जा सकती सुपर डूपर इम्पोर्टेंट फ्रॉम एमसी क्यू परस्पेक्टिव हमेशा रीजनेबल केयर ही होती है एप्सोल्यूट या रीजनेबल अश्योरेंस ही होती है एप्सोलूट अश्योरेंस कभी नहीं होती देन द फॉलोइंग इंप्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ड्यू केयर जो हमने ऊपर बात करी थी वो हमने क्या करा था ड्यू केयर में क्या क्या पॉइंट आने चाहिए जब हम एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो अभी ड्यू केयर के उसके विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात हो गई कॉम्प्लेक्सिटी कितने एक्सटेंट तक वर्क उनका वर्क कॉम्प्लेक्स है एंड नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्क ज्यादा है तो डिटेल में होगा रिस्क कम है तो थोड़ा अगर आप रेंडम एरियाज में भी सैंपलिंग बेसिस पे ऑडिट करोगे तब भी आपका हो जाएगा लेकिन अगर यही उनका नेचर टाइमिंग ऑंडर एक्सटेंथ को रिडिफाइन करना पड़ेगा अगर रिस्क एंड कंट्रोल ज्यादा हैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इफ दर अप्लाइड द केयर एंड स्किल ऑफ अ रीजनेबली कॉम्पिटेंट एंड प्रूडेंट इन टन ऑरिटर इन द सेम फील्ड जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एनी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट

पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी बताइए क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं डिटेल में लगाए जाएंगे इस चीज को चेक करने के लिए कि कहीं कुछ जो हमने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो हमने पॉइंट्स लेके आए हैं कि यहाँ डिस्क्रिपेंसी हो सकती है एज एन इंटरनल ऑडिटर जो हम पॉइंट्स सामने लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताने से पहले उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए ये मेरा क्वेश्चन है आपसे अब बताइए ऑबियसली यस yes. हाँ जी सैटरडे संडे अब हमारा न्यू बैच है पार्ट वन का तो ये बिल्कुल सैटरडे संडे तो रहेगा ही रहेगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट आज का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वॉन्टिन्यूंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो इसकी गवर्निंग बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर वो ये कहती है कि आपको अपना नॉलेज बेस एनहेंस करना पड़ेगा अपडेटेड रहना पड़ेगा इसके लिए आपको जो अपने वर्कशॉप्स हो गए हो गए नॉलेज बेस के विद रिस्पेक्ट टू आपकी प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करने के लिए आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स आपको करने हैं ठीक है चीके? तो वही है कि एज अ सी सी आई ए आपको फोर्टी आवर्स ट्वेंटी आवर्स जो है जिसमें टू आवर्स अलग से एथिक्स के तो वो आपको मेंटेन करने हैं ये भी आपके एमसीक्यू में ये वाला पार्ट भी आ जाता है तो अगर हम बात करें फर्दर तो ये हम अच्छा मेरे को आप सबसे एक चीज और डिस्कस करनी थी अभी वाला तो आज का लेक्चर ये हो गया